वेलकम टू विक्रम सिलाई प्रोग्राम ऑफ तक्षशिला इंग्लिश मीडियम स्कूल बाय। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेंडिंग ऑर्डर सीखा था, आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर सीखते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बिगर टू स्मॉलर। बिगर टू स्मॉलर, देखो इधर ये फर्स्ट लाइन, इधर सबसे बड़ा नंबर, इससे छोटा, इससे छोटा और इससे छोटा। हमको ऐसे क्रम में हमको जाना है। इधर मैं एक डिजिट लिखती हूँ, देखो
Which number is this? This number is 689. Which number is this? This number is 539. Which number is this? 736. Or which number is this? 430. इधर हम देखते हैं अभी हमको descending order arrange करना है. तो सबसे पहले हमको कौन सा digit लिखना है? Bigger number लिखना है. चलो तो हम 100 के place पे कौन सा digit है वो हम check करते हैं. इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 7 है, 4 है. सबसे बड़ा digit कौन सा हुआ? 736. इसको हम first number देते हैं. अभी हमारे पास 3 digit बाकी बचे. 6 इधर 100 के place पे इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 4 है. तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा हुआ? 689 हुआ. अभी ये 2 डिजिट बचे. इधर हम 2 नंबर देते हैं. अभी ये 2 डिजिट बचे. इधर 100 के प्लेस पर कौन सा नंबर है? 5 है. इधर 4 है. 5 इज ग्रेटर देन 4. तो हम कौन सा नंबर लिखेंगे? 539. अभी हमारा जो लास्ट में जो डिजिट बचा वो हमने लिख लिया. ओके डियर स्टूडेंट, यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं. चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंट एंड राइट इन टूज. एस का मीनिंग क्या है? एस मींस स्किप. एस मींस क्या होता है? स्किप. देखो इधर मैं नंबर लिखती हूँ. हमको टू नंबर स्किप करना है. देखो वो इधर वन से टू नंबर स्किप करना है. एक वन और टू. तो हम ऐसे करेंगे. टू नंबर स्किप हो गए. अभी थ्री से हमको टू नंबर स्किप करना है. तो थ्री एंड फोर. हम कहाँ पे आ जाएंगे? 5 पर. और 5 से हमको 2 नंबर स्किप करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे? 5 और 6 2 नंबर हो गए. तब कहाँ पे आएंगे? 7 पर. 7 से 2 नंबर स्किप करना है. तो हम क्या करेंगे? 7 और 8 2 नंबर हो गए. डायरेक्ट हम कहाँ पे आ जाएंगे? 8. और अब 8 से हमको 2 स्किप करना है. 8 9 क्या हो जाएगा? 10. अभी हम मैं दूसरी लाइन लिखती हूँ. देखो इधर 11 नंबर है. हमको कौन से कितने नंबर स्किप करने हैं? 2. 1 2. तीसरा नंबर कौन सा है? 8 कोई जंप लगाएंगे 13 पर. और 13 से हमको 2 नंबर स्किप करना है. तो 13 14 ये 2 नंबर हो गए. तो डायरेक्ट 13 से हम कहाँ पे जाएंगे? 15 पर. अभी 15 से भी हम 2 नंबर जंप करेंगे. 15 16 कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम? डायरेक्ट 17 पे. अभी 17 के बाद हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 2 नंबर स्किप करेंगे तो टेल मी स्टूडेंट, तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 19 पे. अभी आपको सपोज ऐसे बोला है कि चलो 12 डिजिट दिया है. 12 से 2 नंबर स्किप करना है. हम क्या करेंगे? 12 13. डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएंगे? 14 पे. यू अंडरस्टूड? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम. इधर 21 नंबर है. 21 नंबर हमको 2 नंबर स्किप करने हैं. क्या करेंगे? 1 2. 21 से डायरेक्ट 23 पर. 23 से हमको 2 नंबर स्किप करना है तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 25 तक. 25 से हमको फिर से 2 स्किप करना है. 1 2 कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 27. अभी 27 से लेके 2 नंबर स्किप करेंगे कहाँ पे आ जाएंगे? 29 पर. डू यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? ओके अभी हम 2 3 को करते हैं. चलो
लिखते हैं तो क्या करना है देखो, 1 2 3 ओके, कितने नंबर हमने स्किप किया, 1 2 3 हम डायरेक्ट कहां पे आ गए, 4 पे, अभी 4 से हम 3 नंबर स्किप करेंगे, देखो 1 2 3 कहां पे पहुंच जाएंगे हम, 7 पे, अभी 7 से हम 3 नंबर आगे जाएंगे, 7 8 9 1 2 3 कहां पे पहुंच जाएंगे, 9 पे, देखो अभी दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, देखो इधर हमको 3 नंबर स्किप करना है, देखो 1 2 3 ये नंबर 3 नंबर हम स्किप करेंगे, अब वहां पे पहुंच जाएंगे डायरेक्ट 14 पे, और 14 से हम 3 नंबर फिर से स्किप करेंगे, कहां पे पहुंच जाएंगे, 1 2 3 3 नंबर हमको स्किप करना है, अभी देखो 17 से हम फिर स्किप करेंगे, 17 18 19 3 नंबर हो जाएगा, पे पहुंच जाएंगे 20 पर, वैसे ही आपको कोई ऐसे बोले आपको 30 नंबर से आपको स्किप करना है तब क्या करेंगे, 13 1 2 3 3 काउंट करके आगे की डिजिट को आपको जॉइन करना है, वही डिजिट लिखना है जैसे आपको इधर लिखा है, देखो इधर मैं और एक एग्जांपल लिखती हूं, हमने 3 डिजिट के नंबर ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, तो आपको आना चाहिए कौन सा डिजिट है, 111 व्हिच नंबर इज दिस, 112 113 व्हिच नंबर इज दिस, 114 115 कौन सा नंबर है, 116 117 और ये कौन सा नंबर है, 118 119 एंड 120 चलो इधर हमको 3 डिजिट स्किप करनी है, चलो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर की डिजिट है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, हमको 3 डिजिट स्किप करनी है, हम क्या करेंगे डायरेक्ट पहुंचेंगे 114 पर, चलो इधर से हमको फिर से 3 डिजिट स्किप करनी है, तो 1 2 3 कहां पे पहुंच जाएगी, 117 पर, अभी इधर हमको फिर से 3 स्किप करनी है, 1 2 3 हां पे पहुंच जाएंगे 120 पर, अभी 113 से आपको 3 डिजिट स्किप करने के लिए बोला, 113 को 3 नंबर लिखना है आपको, 1 2 3 कहां पे पहुंच जाएंगे 116 पर, वैसे ही मैं आपको एक और नई ट्रिक से सिखा रही हूं, देखो अभी ए मैंने लिखा है 125 120 123 चलो आपको कैसे पूछा होता है तब क्या करोगे पता है, देखो आपको पहले समझ में ना आए तो पहले आप लाइन लिख सकते हो, देखो इधर हमको कितने नंबर स्किप किए, 120 121 स्टॉप ये क्या है, 120 121 122 123 ऐसे पूरी लाइन हम लिख सकते हैं, इधर 122 से 123 तक स्किप किया है, अभी 123 से कितने नंबर स्किप किए हैं, 3 नंबर, कहां पे पहुंचे 160, अभी हमको दूसरे 3 नंबर स्किप करना है, 28 के बाद क्या आता है 129, देखो 126 के बाद हम कहां पे पहुंचेंगे 129 पर, तो हमारा आंसर क्या आएगा 129, अभी आगे भी हम लिख सकते हैं 130 131 132 130, अभी इधर 3 डिजिट फिर से करना है, देखो तो 1 2 3 कहां पहुंच जाएंगे 131 पे, इधर हमारा आंसर क्या मिलेगा 131 पर, अभी फिर से हमको देखो इधर
माना ये तो 2 डिजिट का ही है, हमको तो कितने डिजिट आगे जाना है, हमको तो 3 डिजिट आगे जाना है, हम कौन से नंबर पर आएंगे, 32 पर आएंगे। ओके अभी हमको फिर से 3 डिजिट आगे जाना है, 1 2 3, और कहां पे आ जाएंगे, इधर हम ये स्किप करके इधर आ जाएंगे, ताकि का नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 135। डू अंडरस्टूड दिस टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।